हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम इतना बिजी हो गए थे कि यूट्यूब पर दोबारा आने का टाइम ही नहीं लगा। तो आज क्योंकि आपके एग्जाम्स बिल्कुल सर पे आ गए हैं, कल और परसों से आईपीसीसी फाइनल के एग्जाम्स जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने के लिए आया हूं। प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वक्त आपने जितना हार्डवर्क करना था, जितना भी सिलेबस को तैयार करना था, वो ऑलमोस्ट एंड पर होगा, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज की आती है? कॉन्फिडेंस की। तो देखिए, इसमें एक छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान से सोचिए कि आईसीआई की तरफ से हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए, अगर मैं बात करूं आईपीसीसी और फाइनल को लेकर, तो हमें सिर्फ 45 आवर्स दिए जाते हैं। अब ये 45 आवर्स कैसे हुए? अगर हम सीपीटी को छोड़ दें तो आईपीसीसी में, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, तो आपके पास टोटल 7 पेपर्स हैं और फाइनल में टोटल 8 पेपर्स हैं। 7 पेपर्स मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स पर पेपर, इसका मतलब 21 आवर्स टोटल आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है आईपीसीसी में। और फाइनल में 8 पेपर्स और 3 आवर्स पर पेपर, इसका मतलब 8 × 3 = 24 आवर्स। तो 24 आवर्स प्लस 21 आवर्स, इसका मतलब टोटल आपके पास 45 आवर्स हैं जिंदगी के, जिसमें आपने आईसीआई को प्रूव करके दिखाना है कि मैं काबिल हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, आप मुझे पास कर दीजिए। तो देखिए, यहां पर एक पॉजिटिव बात आपके हैंड में क्या है कि ना तो आपको कभी वहां पर बुलाया जाएगा कि आप आओ, हम आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपको चीजें किस लेवल तक कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बोल सकते हो, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको आपकी सिटी में ही पेपर भेज दिए जाते हैं, आपने अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है फिल किया और वहां पर जाकर आराम से बैठकर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको आराम से सोचकर आंसर लिखकर भेज देना है। यहीं से डिसाइड हो जाना है कि आपका लेवल वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसलिए इसको एक पॉजिटिव बात भी समझा जाए कि आपके ऊपर ना तो सामने खड़े होकर किसी बंदे का प्रेशर है, आपने जस्ट ठंडे दिमाग से चीजों को हैंडल करना है। कोई भी जल्दी ना कीजिएगा क्योंकि जब भी आपने ये एग्जाम देने जाना है तो आप ध्यान से सोचिए, अगर आपके 4 पेपर होने जा रहे हैं तो 4 × 3 आपके टोटल 12 घंटे जो हैं वो आप यूटिलाइज करने जा रहे हो, जैसे मैंने बोला था 45 आवर्स में से। तो ये 12 घंटे जो आपने यूटिलाइज करने हैं अपने, तो देखिए इस 12 घंटे को आपने अच्छी तरह से वहां पर क्या करना है, इसके लिए आप कितने पास्ट कितने घंटों से आप तैयारी कर रहे हो, शायद कई 100 घंटे हैं जो आपने डिवोट किए हैं, 6 महीने साल डेढ़ साल लगा दिया आपने प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को, और उसके बाद अब आप किस लेवल तक पहुंचे हो कि आपने जो भी सीखा आपने ये 12 घंटे में उनको बताना है कि हमने ये सीखा है। इसका मतलब अगर आपने ध्यान से पूरी कंसेंट्रेशन के साथ, मींस ना तो ज्यादा बर्डन लेना है ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, कोई जल्दी नहीं करनी आपने, तसल्ली के साथ चीजों को समझें, उनको ध्यान से देखें कि वो क्या पूछ रहे हैं उसका आंसर करें और हर पॉइंट को प्रॉपर वहां पर आंसर करके आए, तो अगर आप ये पूरी प्रॉपरली इसमें सक्सेसफुल हो गए तो इसका मतलब जो आपकी इतनी पिछली साल डेढ़ की मेहनत है वो जो 12 घंटे प्रूव कर देंगे कि आपने बिल्कुल सही लर्न किया है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे हो कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस ना लूज करना जितना भी सिलेबस हो गया है, जो भी आपको आता है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट रहें, पूरी तसल्ली के साथ पेपर को करके आए, दिल लगा के करें, कोई जल्दी नहीं करनी है कि शुक्र है एग्जाम की डेट्स आई हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अब तो मन भी नहीं कर रहा बैठने का, अब जल्दी से एग्जाम्स हमारे खत्म हो, ये नहीं करना। क्योंकि आप देखिए, ये 12 घंटे जो आपने वहां पर पेपर सॉल्व करने जाकर, ये आपकी पिछली कितने लॉन्ग आवर्स की मेहनत है, इसलिए आपको वो मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। इसलिए इस 12 घंटे का जो एक एक मिनट एक एक सेकंड है आपने सोच और समझ के सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन पूरा नहीं आता है तो उसके जितने भी आप स्टेप्स सॉल्व कर सकते हो वो कीजिए, क्योंकि आपको अगर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से मार्क्स मिलने हैं तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करके उनको सॉल्व कीजिए, तो आप पक्का इस बार पास हो जाओगे। तो चलिए, आपके साथ अभी रेगुलरली एग्जाम्स के अंदर भी मिलता रहूंगा, आपको चार्ज करता रहूंगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।